हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में अर्जुन जो है वो कहेगा कि मेरी बस ये लास्ट होप है, आई विश कि हमें बस पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाए। तभी आदित्य काशवी को कॉल करता है, पूछता है कहाँ हो। वो कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, हमने सारी बॉटल्स कलेक्ट कर दी है और उनको चेकिंग के लिए भेज दिया है। लेकिन आदित्य उसे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने रेड करने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। काशवी कहती है मेरे पास कोई रीज़न होगा ना तुम्हें ना इन्फॉर्म करने का, अगर मैं इन्फॉर्म कर देती तो फैक्ट्री का ओनर है उसे पता चल जाता और हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। तभी वो उससे कहती है कि मैं लैब में वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स का। तभी वो कहती है कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रही हूँ। काशवी कहती है अर्जुन से कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी दोनों वेट करते हैं रिपोर्ट का। आदित्य वहाँ पहुँच जाता है, रिपोर्ट भी आ जाती है। काशवी लेकिन शौक है ये देखकर कि रिपोर्ट आदित्य छीन लेता है उसके हाथ से और पढ़ता है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। महिमा भी वहाँ पहुँच जाती है और बुदबुदाती है और कहती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही काशवी का जो प्लान था वो फैक्ट्री ओनर को इन्फॉर्म कर दिया था। और तभी उसने बॉटल चेंज करके वहाँ पर नॉर्मल बॉटल्स रख दी। तभी आदित्य चिल्लाता है काशवी को अनप्रोफेशनल होने पर। वो टर्न करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी से तुम्हें यहाँ पर इंस्पिरेशन मिल रही है। अर्जुन इन्फॉर्म करता है फैक्ट्री ओनर को इसके बारे में। तभी तो फैक्ट्री ओनर ने चेंज कर दी बॉटल्स हर बार और वो प्रोवोक कर देता है अर्जुन का गुस्सा। यानी कि जो आदित्य है वो अर्जुन के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हर बार सिर्फ अर्जुन ही है जो सारी हमारी जो डिटेल्स है वो लीक करता है। और ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं और ना ही मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। काशवी भी अर्जुन की साइड लेती है। आदित्य से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और हमारे भी सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे इसके बारे में, तुम चलो। अगले दिन महिमा यहाँ पर एक्स्ट्रा स्वीट होने की कोशिश करती है अर्जुन के साथ, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो करुण से कहती है कि तुम्हें आज करुण को स्कूल छोड़ना होगा। महिमा यहाँ पर करुण को ड्रॉप करती है स्कूल पर, लेकिन करुण कहता है कि काशवी आंटी भी यहाँ हैं, जिसके बाद वो कहता है कि मैं काशवी आंटी को वो गिफ्ट दे दूँ, आप गाड़ी रोकिए। करुण जाता है, काशवी को गिफ्ट देता है। तभी दादी जो है वो कहती है कि हमारा मिशन दोबारा फेल हो गया, जिसकी वजह से दादी यहाँ पर अर्जुन को बहुत भला बुरा कहती हैं और कहती हैं कि ये सही नहीं हो रहा है काशवी, हर बार अर्जुन तेरी आने वाली खुशियों को बर्बाद कर रहा है। काशवी यहाँ पर अर्जुन की साइड लेती है और कहती है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पर करुण भी वहाँ पहुँच जाता है और वो गिफ्ट देता है महिमा ने जो दिया था उसको काशवी को देने के लिए। जैसे ही काशवी वो गिफ्ट ओपन करने की कोशिश करती है तभी करुण कहता है कि अभी नहीं, आप अपने ऑफिस में जाकर के ओपन करिएगा जब आपको टाइम मिलेगा। काशवी अपने ऑफिस जाती है और देखती है कि एसीबी ऑफिसर जो हैं वो उसके ऑफिस में रेड कर रहे हैं ताकि वो परमिट कर पाए आदित्य को सारी परमिशन देने के लिए। आदित्य उसे अलग ले जाता है केबिन से। तभी महिमा माहिरा से मिलती है, उसे चिल्लाती है एक्सीडेंट करने के लिए। तभी उसे कहती है अपना मुंह बंद रखना हमेशा के लिए। महिमा जाती है काशवी के ऑफिस। काशवी आर्ग्यू करती है आदित्य से कि तुमने एसीबी को रेड करने के लिए मेरे ऑफिस में परमिशन दी कैसे। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ मैं बस ये पता लगाने के लिए कर रहा हूँ कि आखिर हमारी टीम में कौन है वो धोखेबाज जो हमारे सारे प्लान्स को फ्लॉप कर रहा है। मीनवाइल काशवी उससे कहती है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। और वो जाती है और सोचती है कि अर्जुन कहाँ है, अर्जुन ने ही तो ये सब कुछ नहीं करा। आदित्य कहता है कि तुम अर्जुन पर ऐसे ट्रस्ट मत करो। महिमा आती है वहाँ पर अर्जुन के ऑफिस में टिफिन के साथ और उसके साथ में एक्स्ट्रा स्वीटनेस दिखाती है और कहती है आई लव यू। तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ आज लंच करना चाहती हूँ। अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह ऐसे एक्टिंग करती है उसके सामने कि जैसे वो बहुत ज़्यादा वरिड है। तभी पियोन कॉल करता है अर्जुन को और कहता है आप काशवी के केबिन में आइए क्योंकि आदित्य सर आपका वेट कर रहे हैं और मैडम भी। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि किसके ऊपर लगने वाले हैं ये धोखाधड़ी के इल्जाम, काशवी के या अर्जुन के। पहले ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।